हमारी लाइफ में दोस्तों फोन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है और इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन में हमें इसे क्लीन करते रहना भी बहुत ही जरूरी है। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अपने फोन को कैसे एकदम परफेक्टली क्लीन किया जाता है बिना उसे नुकसान पहुंचाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज हर्षित फ्रॉम टेकी नोट्स। और आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे आप अपने फोन को सैनिटाइजर से कैसे एकदम बेहतरीन तरीके से क्लीन कर सकते हैं बिना उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू दी स्कॉट रिसर्च, यहाँ पे हम लोग के फोन जो होते हैं हम लोग दिन में 2617 बार से ज्यादा बार हम लोग यहाँ पे टच करते हैं अपने फोन को। और इसी को लेते हुए दोस्तों की जो मैं आपको बता दूं, जो कोरोना वायरस का यहाँ पे सिचुएशन है वो 2 से 3 दिन तक आपके वायरस ये आपके फोन पे लगा रह सकता है। सो ये सोच के हम लोग सोचते हैं यार फोन को तो क्लीन करते रहो, और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं अपना सैनिटाइजर। और सैनिटाइजर यूज करने का तरीका को यार सही तरीके काफी लोग नहीं कर पा रहे हैं, सो हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। सो इट्स गुड टू क्लीन योर स्मार्टफोन इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन। सो जानते हैं ये सही तरीके क्या हो सकते हैं। सो यूजुअली हम लोग दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लोग अपना सैनिटाइजर का स्प्रे उठाते हैं और डायरेक्टली हम लोग स्प्रे करने लगते हैं अपने स्मार्टफोन पे, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। दोस्तों सही तरीके बात करें तो आपको अपने सैनिटाइजर को लेना है 2-3 ड्रॉप अपने स्मार्टफोन पे, उसके साथ साथ आपको बात करूं तो क्लीन क्लॉथ से आपको क्लीन उसे करना चाहिए। अब बात करें दोस्तों कौन से क्लीनिंग क्लॉथ को आपको यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे माइक्रोफाइबर एक क्लॉथ आता है दोस्तों, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको दोस्तों घर में हो इस समय और आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका कॉटन का क्लॉथ कोई भी हो वो आप जरूर यूटिलाइज कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा आपको कॉटन क्लॉथ को आप यूज करना चाहिए। क्लीनिंग जल्दी जल्दी करते समय दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं अपने फोन को चार्जिंग में लगा के फटाफट क्लीन करना चालू करते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कभी भी अपना फोन को चार्जिंग में लगा के क्लीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों होता ही है कि आपका मॉइस्चर जो होता है वो आपके फोन के अंदर चला जाता है, और अगर कहीं से वो इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट में गया तो आपका जो मदरबोर्ड है वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है ये मॉइस्चर। सो इसके लिए आप प्रिकॉशन लेते रहे। दोस्तों आपके फोन में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कि एक कैमरा, और दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा आपको कैमरा को कभी भी डायरेक्टली सैनिटाइजर से स्प्रे करके क्लीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपके कैमरा लेंसेज जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब इतना नहीं है कि फटाक से स्क्रैच लग जाए, लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अपने सॉफ्ट क्लॉथ से ही इस कैमरा को अपने क्लीन करना चाहिए। दोस्तों मैं बात करूं तो कॉटन क्लॉथ या फिर माइक्रोफाइबर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को यूज कर रहे हैं तो डी बेस दोस्तों यहाँ पे आप परसेंटेज में आगे हमसे क्लीनिंग के, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपका सैनिटाइजर जो है वो भी हाई क्वालिटी होना चाहिए, आपको कोई भी फर्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलना चाहिए। और हाई क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे हाई क्वालिटी कैसे आप डिसाइड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको कोई भी सैनिटाइजर है तो आप उसके पीछे चेक कर सकते हो उसका अल्कोहल परसेंटेज, दोस्तों 65-70% कम से कम होना ही चाहिए। अगर इतना से कम है दोस्तों तो वो सैनिटाइजर आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, और यूं कहें कि अच्छा सैनिटाइजर वो नहीं है। तो दोस्तों अच्छा सैनिटाइजर का अल्कोहल परसेंटेज 70-70+ होता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरे पास सैनिटाइजर है जहां पे आपको परसेंटेज देखने को ही नहीं मिलता है, तो ऐसे सैनिटाइजर से आप बचे दोस्तों, ऐसे सैनिटाइजर आप परचेस करने से जरूर से बच जाए। अब दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हो तो दी बस दोस्तों क्योंकि आपने अपना हार्डवेयर अपने स्मार्टफोन का काफी अच्छे से क्लीन किया है। बट क्या हो दोस्तों अगर आप इंटरनली वायरसेस आ जाएं तो? तो इसी को लेते हुए यहाँ पे हम लोग के स्पॉन्सर आ जाते हैं दोस्तों, आईपी वैनिस। दोस्तों आईपी वैनिस एक ऐसी सर्विस है जो आपको इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलेगी, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा फेमस है मगर इंडिया में उतना ज्यादा फेमस अभी तक नहीं हुए हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इनकी सर्विसेज काफी अच्छी हैं। दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो भी वीपीएन की इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ही बेस्ट कंपनी इन्हें माना जाता है। दोस्तों इनकी प्राइसिंग पे अभी सेल भी चल रहा है तो आप जरूर चेकआउट करेगा, हमारा लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे आप जरूर से चेक करेगा, उनके सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिजनेस का काम करते हैं या फिर कोई भी अच्छा आप अपना सेफ्टी सिक्योरिटी वाला काम करते हैं तो आपको जरूर से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक वीपीएन सर्विस लें, वो भी एक अच्छा वीपीएन सर्विस लें। और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे आईपी वैनिस आपको वही प्रोवाइड करता है काफी लेस प्राइस में। तो हम दोस्तों इसी तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर, अपने गैजेट्स के ऊपर आपको रिव्यू देते रहते हैं, और हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर से चैनल को कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब के लिए, और दोस्तों उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, उससे क्या होता है कि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलेगी और काफी सारे आप अच्छे वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे वीडियो साइनिंग ऑफ टेकी नोट, दिस इज हर्षित, यू वॉचिंग टेकी नोट। दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय, बी देयर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। दोस्तों सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, घर पे रहिए, और इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक सिचुएशन आप काफी अच्छे से सेफ रह सकते हैं घर पे बैठ के। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।